स्टूडेंट्स अब हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखेंगे जिसमें हम लोग क्या हमने डिस्कस किया कि एक ब्रीफ हमने डिस्क्रिप्शन दिया इसका मीन वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर का निकालने का मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का फ्रैक्शनल एरर निकालने का और परसेंटेज एरर निकालने का। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में वो क्या होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि द डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ length of a rod are 4.2 cm, 4.5 cm, 4.4 cm, 4.3, 4.6 cm. तो हमने क्या करना है? Calculate करना है, mean value calculate करना है, absolute error पता करना है, ठीक है? Mean absolute error पता करना है, fractional error पता करना है और percentage error पता करना है। हमने सारे mathematical formula आप लोगों को बता दिए हैं, अब केवल हमें क्या करना है उसमें apply करना है। Let's solve। पहला हमने solve करा, ठीक है, इसको x का नाम दे देते हैं, ठीक है, मीन वैल्यू x, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा हमारा 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है मीन वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं ट्रू वैल्यू। तो हमें x पता चल गया तो उसके बिहाफ पे हम एब्सोल्यूट एरर भी पता कर लेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर किसके करस्पोंडिंग हम अपने पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के करस्पोंडिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम किसके करस्पोंडिंग करेंगे x1 के करस्पोंडिंग करेंगे। तो x1 क्या है 4.2 है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो डेल्टा x1 क्या हो जाएगा x माइनस x1 प्लस, तो ये हो जाएगा x हमें पता है कितना है 4.4 है, x1 कितना है 4.2 है, एरर कितना आ गया 0.2 आ गया पॉजिटिव। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे डेल्टा x2 पता करेंगे, तो डेल्टा x2 क्या हो जाएगा x माइनस x2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4.4 x माइनस x2 4.5 कितना आ जाएगा माइनस 0.1, ये क्या आएगा नेगेटिव एरर आएगा। ठीक, उसी प्रकार से डेल्टा x3 पता करेंगे x माइनस x3 होगा, ये कितना आ जाएगा 4.4 माइनस हाउ मच 4.4, ये क्या रहा जीरो एरर। ठीक है, ये क्या है जीरो एरर। क्लियर, जस्ट वी नो जीरो एरर। ठीक है, पॉइंट आ गया। उसी प्रकार से डेल्टा x4 की अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस x4 आ जाएगा 4.4 माइनस कितना 4.3 कितना हो गया 0.1। वी टॉक अबाउट डेल्टा x5 x माइनस x5 इज इक्वल्स टू 4.4 माइनस 4.6 माइनस ऑफ 0.2। क्लियर, ठीक है, आ गया हमारा करस्पॉन्डिंग एरर्स मिल गए और हम देख सकते हैं कुछ कुछ एरर हमारे क्या है पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ कुछ आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं, कुछ पे आ रहे हैं जीरो एरर आ रहा है और क्या है पॉजिटिव एरर आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में हमें क्या मिला सारा हमें एरर्स की वैल्यू मिल गई। अब हम किसके बारे में बात करते हैं वी टॉक अबाउट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर में हम करेंगे क्या मीन एब्सोल्यूट एरर में हम ये करेंगे कि भाई जितनी भी हमारी नेगेटिव एरर आ रही है वो भी क्या हो जाएंगी मोड लगने के बाद पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर, we talk about our third point mean absolute error। तो क्या हो जाएगा mod of delta x1 plus mod of delta x2 plus mod of delta x3 plus mod of delta x4 plus mod of delta x5 upon टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो गया डेल्टा x1 कितना हो गया 0.2 हो गया और ये क्या हो गया डेल्टा x2 माइनस है तो यहां मॉड लगने के बाद क्या हो जाएगा प्लस 0.1 हो जाएगा
उसी प्रकार से 0 प्लस डेल्टा एक्स को कितना है 0.1 है और ये कितना है माइनस 0.2 है, तो ये कितना हो गया प्लस 0.2 हो गया आपका मॉड 0.5। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 0.3 हो गया, 0.3 0.4 हो गया, 0.4 एंड 0.6 0.6 अपॉन 5 यानी कि ये आएगा तुम्हारा कन्वर्ट करने से आएगा 0.1 के अबाउट आएगा, क्लियर 0.12 आ रहा होगा। पर हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन है क्या क्या है पॉइंट के बाद केवल हमने एक डिजिट को कंसिडर किया है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे टू को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड जो वैल्यू रहा वो कितना रहा 0.1 जिसका मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू। अब जो हमारा सेकंड और जो फोर्थ केस है वो क्या है फ्रैक्शनल एरर। नाउ वी टॉक अबाउट फ्रैक्शनल एरर। अब हमें देखो मीन एब्सोल्यूट एरर पता चल गया, नाउ वी टॉक अबाउट फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होता है। तो डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स ही तो है मीन एब्सोल्यूट एरर को ही तो हम डेल्टा एक्स दिखाते हैं। तो ये क्या हमारा डेल्टा एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और एक्स की वैल्यू भी हम ऑलरेडी यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं, क्लियर। दिस इज व्हाट डेल्टा एक्स, नेम दिस इक्वेशन नंबर 2, नेम दिस इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट व्हाट डेल्टा एक्स 0.1 अपॉन 4.4 यानी कि 1/44 ये क्या आया हमारा किसका एक्सप्रेशन है फ्रैक्शनल एरर का एक्सप्रेशन आ गया। अब जो हमारे जो लास्ट पॉइंट हो क्या है परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनटू 100, क्लियर। तो जब हम इसको कर देंगे तो ये क्या जाएगा 1/44 इनटू 100 और इसको जब हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे या सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.272%, ठीक है। ये क्या हमारा मिल गया परसेंटेज एरर का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो होगा एरर्स का जो और एप्लीकेशन है प्रोपोगेशन ऑफ एरर, एरर किस तरह से आगे बढ़ता है उसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे।